खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात में वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एक माह तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। जानकारी देते हुए जिला कारवा महोत्सव आयोजन समिति जिला संयोजक संजीव खरे ने प्रेस वार्ता में बताया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत वीरों ने बलिदान दिया, लेकिन तत्कालीन अंग्रेज इतिहासकारों ने बहुत सारे मित्र हमारे सामने रखे, जिसके कारण समाज में जो विमर्श बना हुआ तंत्र भ्रमक एवं असत्य है। सही इतिहास समाज के सामने लाने के लिए 19 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच नगर व खंड स्तर पर 1069 गांवों में भारत माता पूजन का कार्यक्रम, गोष्ठी, तिरंगा यात्रा, आजादी में अभूतपूर्व योगदान करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों तथा आजादी के बाद हुए अन्य देशों के साथ युद्ध के वीर शहीदों को याद कर उनके परिजनों को सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम 18 नवंबर को गांधी भवन में होगा तथा इसका समापन 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के सदस्य कर्मवीर सिंह चौहान, हर्षवर्धन सिंह, प्रभाकर गुप्ता, शशिभूषण शुक्ला शोले, इंद्रपाल मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से स्वतंत्र का 75वां वर्ष पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग हरदोई में इस उत्सव को मना रहे हैं। ये उत्सव एक माह चलने वाला है। रानी लक्ष्मीबाई जी के जन्मदिवस 19 नवंबर से लेकर के और विजय दिवस 16 दिसंबर तक ये चलने वाला है। 19 नवंबर को उद्घाटन हम लोग 18 नवंबर को कर रहे हैं, एक दिन पहले कर रहे हैं हरदोई नगर में, और शेष हमारे जो 11 खंड हैं उनमें हम लोग 19 नवंबर को उद्घाटन करने जा रहे हैं। और उसके बाद ये कार्यक्रम तिरंगा यात्रा और इस तरह के विभिन्न शहीदों के घर पर जाना, उनको सम्मानित करना, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके बारे में स्थानीय लोग नहीं जानते हैं, अपने स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो परिवार, उनसे मिलना, उनके परिजनों से मिलना, उनको सम्मानित करना, इस तरह से कई प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो एक माह तक आने वाले हैं। अंत में जैसा कि आपने बताया कि खड़ा हुआ था और बंटवारे के समय जो पाकिस्तान में हमारे बंधु वहाँ से प्रताड़ित होकर के वहाँ उनके साथ उनके परिजनों के साथ जिस प्रकार की हम सभी जानते हैं उस समय कृत्य हुए थे, उससे प्रताड़ित होकर के वो लोग जब भारत वापस आए तो उन परिवारों को भी हम लोग बुलाएंगे और उनके अनुभव कथन, उनके पूर्वजों को क्या अनुभव आए, वो लोग तो अब नहीं होंगे पर उनके पूर्वज होंगे, वो सब उनकी जानकारी में होगा, उनके पूर्वजों को क्या उस समय अनुभव आया, कैसी प्रताड़नाएँ मिली, कैसी यातनाएँ मिली, वो सारी चीज़ें ही इस उद्घाटन कार्यक्रम में और समय समय पर बीच बीच में हम लोग। ये जो पाकिस्तान से आए थे यहाँ लगभग 30 से 40 परिवार हैं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।